गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। बेटा कल हमने नॉर्थ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, रिलीजन के बारे में, एजुकेशन के बारे में पढ़ा था, और उनके जो टॉपिक रह गए थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वो जो हम पढ़ रहे हैं। द एग्जांपल्स ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ म्यूरल्स इन पैलेस केव्स एंड टेम्पल्स। अगर आपने नॉर्थ इंडिया की पेंटिंग्स देखनी है कि उस समय लोगों का आर्ट कैसा था, तो वो आपको कहाँ पर दिखाई देगी, जो उस समय के पैलेस मतलब कि महल वगैरह हैं राजा के रहने वाले, केव हैं, टेम्पल हैं, वहाँ पर भी उनका आर्किटेक्चर जो है हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि हमें पिक्चर में भी लिंगराज टेम्पल दिखाया गया है भुवनेश्वर का, इससे में भी हमें पता चलता है कि उनका आर्किटेक्चर है वो देखो आजकल के मंदिर जैसा ही बना हुआ, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छी आर्ट उसमें दिखाई गई है। द जैन मॉन्क एंड पेंटर्स ऑफ बंगाल डेवलप द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। और जो उस समय जैन धर्म के मतलब कि जो हम कहते हैं डिवोटी थे और पेंटर थे बंगाल के, उन्होंने भी मिनिएचर पेंटिंग्स को काफ़ी डेवलप किया था। मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है? स्मॉल पिक्चर्स ड्रॉन टू इलस्ट्रेट बुक्स। अब ये बेटा कोई किसी भी बुक में कोई उदाहरण देने के लिए, इलस्ट्रेशन देने के लिए जब छोटी छोटी पिक्चर्स बनाई जाती हैं उनको हम मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। जैसे कि आपको भी आर्ट और आर्किटेक्चर की एग्जांपल देने के लिए साइड में लिंगराज टेम्पल की जो है वो पिक्चर बनाई गई है, इसको हम मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। द लिंगराज एंड मुक्तेश्वरा टेम्पल एट भुवनेश्वर एग्जाम्पल्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ द पीरियड फ्रॉम 8th to 12th century। अगर हमने 8th to 12th century के आर्ट और आर्किटेक्चर की एग्जाम्पल लेनी है तो लिंगराज मंदिर से अच्छी हमें कोई भी एग्जाम्पल है वो नहीं मिलेगी, और भुवनेश्वर से। अब हम उस समय की ट्रेड के बारे में करेंगे कि जो नॉर्थ इंडिया के लोग थे उस समय काम कैसा करते थे। इंडिया डेवलप्ड ट्रेड रिलेशन विद द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट। उस समय जो इंडिया है वो ट्रेड करती थी ईस्ट के साथ, साउथ ईस्ट के साथ, वेस्ट के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ एंड द यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, दिस ब्रॉट इंडियंस इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द डेवलपमेंट्स इन अदर कंट्रीज़। अब देखो जब हमारा इंडिया इतने मतलब कि आसपास जो कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रहा है, तो जो इंडिया है तो उन दूसरी कंट्रीज़ की डेवलपमेंट की भी बिल्कुल क्लोज कॉन्टैक्ट में आ गया। द कॉमन फीचर्स इन द पोलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन डिफरेंट पार्ट्स ब्रॉट द पीपल ऑफ इंडिया क्लोज़र। जो उस समय के कॉमन फीचर थे जो भी पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल लाइफ के, वो भी लोगों को एक दूसरे के नज़दीक ले आए। देखो बेटा अब अगर वो ट्रेड के लिए जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह तक मतलब कि ट्रेड कर रहे थे, तो वहाँ के पॉलिटिकल का भी उनको पता चलेगा, कल्चर लाइफ का भी उन पर थोड़ा सा जो है असर इफ़ेक्ट है वो पड़ेगा। ठीक है, लेटर ऑन दिस प्रूव्ड टू बी ए ग्रेट बून फॉर अफगान, तुर्किश एंड मुगल रूलर्स टू एस्टैब्लिश देयर रूल इन इंडिया। इसके अलावा ये एक बहुत बड़ी ग्रेट बून मतलब जो है उनके लिए आशीर्वाद, वरदान जैसे साबित हुई किनके लिए, अफगान के लिए, तुर्किश के लिए और मुगलों के लिए जिन्होंने इंडिया में अपना आके रूल किया। ठीक है बेटा, आगे हम करेंगे। डू यू नो द वर्ल्ड फेमस खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स वाज बिल्ट बाय चंदेल। ये आपको केंद्रीय महादेव टेम्पल खजुराहो दिखाई दे रहा है पिक्चर में, इन्होंने बनाया है चंदेल ने। चंदेल कौन थे? रूलर्स ऑफ बुदेलखंड व बुदेलखंड के रहने वाले थे। ठीक है, हु वर अर्लियर द फ्यूडरेटरीज ऑफ प्रतिहारा, मतलब ये प्रतिहारास के अंडर थे जो चंदेल थे। ठीक है, बुदेलखंड में रहते थे। दीज टेम्पल्स आर डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स। इस देखो इस टेम्पल में कितनी मतलब जगह जगह पर फोटोज़ वगैरह आगे मतलब उसमें बनाई गई हैं, स्कल्पचर के साथ इसको डेकोरेट है वो किया गया है। इससे हम उस समय की आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में पता चलता है। ठीक है बेटा, हमारा चैप्टर है जो वो कंप्लीट हो गया, द स्मॉल किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, अब हम इसके कीवर्ड्स करेंगे बेटा। सबसे पहला कीवर्ड है हमारा एपिक पोएम। एपिक पोएम क्या होती है? ए लॉन्ग नरेटिव पोएम यूजली अबाउट हीरोइक डीड्स, मतलब वो पोएम जिसमें हो तो लंबी
लेकिन उसमें हीरोइक डीड्स मतलब जिसने कोई बहादुरी के काम किए हों, अच्छे काम किए हों, जैसे हम झांसी की रानी की कोई पोएम पढ़ते हैं उसमें उसके हीरोइक डीड्स बताए जाते हैं, उसको हम एपिक पोएम है वो कहते हैं। आपने बस ये यहीं तक करना है हीरोइक डीड्स तक। उसका है फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? द सोशियो पोलिटिकल सेटअप ऑफ मेडिवल यूरोप बेस्ड ऑन लैंड होल्डिंग। ये लैंड होल्डिंग से रिलेटेड है फ्यूडल सिस्टम, ठीक है, जो मेडिवल यूरोप में सेटअप किया गया था। ठीक है बेटा, जो मिनिएचर पेंटिंग है, स्मॉल पेंटिंग एग्जीक्यूटेड विद ग्रेट डिटेल। होती तो ये छोटी सी पेंटिंग है लेकिन इसमें जो डिटेल है वो बहुत ज़्यादा होती है। मूरल पेंटिंग, एनी पीस ऑफ आर्ट वर्क पेंटेड और अप्लाइड ऑन ए वॉल, सेलिंग एट्सेट्रा। मतलब कोई भी आर्ट वर्क है जब वो वॉल पर किया जाता है तो हम उसको मूरल पेंटिंग कहते हैं। पैट्रॉन, ए पर्सन, पैट्रॉन हम उस पर्सन को कहते हैं जो किसी आर्टिस्ट की सपोर्ट करता है, किसी राइटर की सपोर्ट करता है, किसके साथ? विद मनी, गिफ्ट और एंडोर्समेंट, मतलब उनको अप्रिशिएट करने के लिए उसको हम कहते हैं पैट्रॉन। फिलॉसफी, द स्टडी ऑफ नेचर कॉज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिटी। मतलब जब हम नेचर की स्टडी करते हैं, उसके कारणों को, उसके प्रिंसिपल्स को ढूंढते हैं, उसको हम कहते हैं फिलॉसफी। पॉलीगैमी, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ। पहले ज़माने में जब किसी भी राजा की एक से ज़्यादा वाइफ होती थी उसको हम पॉलीगैमी कहते थे। बेटा आपका जो चैप्टर नंबर 10 है हिस्ट्री का, ये कंप्लीट हो गया है बेटा। इसके जो कीवर्ड्स है आपने नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक पर करनी है। ओके बेटा।